हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आ, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं आज रात के एपिसोड की। तो भाई टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इंदर किडनैपर के बताई हुई लोकेशन पर पहुँचने की कोशिश करता है और पीछे पीछे अंगद भी उसको फॉलो करता है। फाइनली इंदर लोकेशन पर पहुंच जाता है और पैसों का बैग उठा करके किडनैपर्स का वेट करता है। यहाँ छुपकर अंगद सब कुछ देख रहा होता है। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर किडनैपर आता है इंदर के पास और कहता है कि लाओ ये पैसे और ज्वेलरी मुझे दे दो। लेकिन इंदर मना कर देता है और कहता है कि नहीं, पहले तुम मुझे मेरी बेटी दिखाओ, वो सही सलामत है कि नहीं, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये बैग दूंगा। किडनैपर मान जाता है और इंदर को अंदर फैक्ट्री में ले जाता है। अंगद भी उन दोनों को फॉलो करता है। तभी इंदर को देखते देखते अंगद चल रहा होता है और उसकी गलती से कुछ मिस्टेक हो जाती है और यहाँ पर खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। किडनैपर अलर्ट हो जाते हैं और पूछते हैं इंदर से कि तुम आखिर अपने साथ किसको लाए हो। इंदर यहाँ पर बहुत मना करता है कि मैं अपने साथ किसी को नहीं लाया, लेकिन किडनैपर फिर भी चेक करने के लिए जाता है। लेकिन लकीली अंगद छुप जाता है और किडनैपर के हाथ नहीं लगता। आगे किडनैपर कहता है कि वो रही तुम्हारी बेटी, लाओ पैसों से भरा बैग अब दे दो। इंदर कहता है कि सिमरन सिमरन तुम ठीक तो हो, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तभी किडनैपर कहते हैं कि तेरी बच्ची सो रही है। तभी इंदर कहता है कि नहीं, मैं पहले सिमरन को पास से जा कर के देखूंगा, तभी तुम्हें पैसे दूंगा। जैसे ही इंदर पलट कर जाता है वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ एक स्टैचू होता है जिसने सिमरन के कपड़े पहने होते हैं और असल में सिमरन वहाँ होती ही नहीं। वो किडनैपर से पूछता है कि ये क्या है, कहाँ है मेरी बच्ची। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि वीर के साथ साहिबा अंगद के साथ फॉलो कर रही होती है और वो किडनैपर की दूसरी लोकेशन पर जाती है। साथ साथ वो अंगद को कॉल करती है लेकिन अंगद कॉल नहीं उठाता, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। इधर दिखाया जाएगा कि किडनैपर्स और इंदर में हाथापाई होगी। देखते ही देखते एक से दो किडनैपर और दो से तीन हो जाएंगे और इंदर पर हमला करने लगेंगे। ये देखते हुए यहाँ पर अंगद आएगा और किडनैपर को ज़ोरदार पीटेगा और अपने पापा को बचाएगा। जैसे ही वो मिस्टर बरार के ऊपर हमला करने ही वाले होंगे तभी यहाँ पर अंगद निकलकर सामने आएगा और किडनैपर्स को पीट पीट कर उनको नानी याद दिला देगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ किडनैपर्स अंगद को फोर्स करेंगे तो वहीं कुछ इंदर पर फोकस करेंगे। बहुत सारी लड़ाई झगड़ा होगा जिसके बाद इंदर के हाथ पर हमला करेगा किडनैपर, जिसकी वजह से वो घायल हो जाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अंगद दूसरे किडनैपर से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है, लेकिन दूसरा किडनैपर जिसने इंदर के ऊपर अटैक किया होता है वो पैसों से भरा बैग लेकर के भाग जाता है और इंदर अंगद को इशारा करता है कि तुम मेरी चिंता छोड़ो, उसको पकड़ो क्योंकि हमारे पैसे भी जाएंगे और किडनैपर ने अभी तक सिमरन का भी कुछ पता नहीं दिया है। इंदर यहाँ पर कोशिश करता है किडनैपर तक पहुँचने की और अंगद भी, लेकिन किडनैपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकलता है, वो चकमा देकर अंगद को भाग जाता है। यहाँ पर ये दोनों इमोशनल टॉक करते हैं और तभी इंदर कहता है कि बेटा तुम्हें क्या मुझ पर भरोसा नहीं था, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आ गए। तभी अंगद कहता है कि मुझे भरोसा था लेकिन मुझे ऐसे ही कुछ अनहोनी का आभास हो रहा था, इसलिए मैं आपके साथ आया। इसी बीच में साहिबा का कॉल अटेंड करता है अंगद और वो कहती है कि तुम कहाँ हो, किडनैपर से सिमरन को लिया, सिमरन मिली। तभी अंगद बताता है कि किडनैपर्स बहुत चालाक निकले, वो पैसे और ज्वेलरी भी ले गए और सिमरन भी नहीं मिली। ये सुनकर के साहिबा के होश उड़ जाते हैं। आगे वो बताता है कि चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मिस्टर बरार को यहाँ पर चोट लगी है, मुझे उन्हें देखना है, और फ़ोन कट कर देता है। साहिबा घबरा जाती है और वो वीर से कहती है कि सुबह होने को है, अब तक सिमरन नहीं मिली है, उधर मिस्टर बरार की भी चोट लगी है, मुझे बहुत डर लग रहा है वीर। तब यहाँ पर दिखाया जाएगा कि इंदर भी परेशान होगा, अंगद से कहेगा कि सुबह होने वाली है, पता नहीं उन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ क्या किया होगा, कैसे रखा होगा, और अब तक कोई भी खोज खबर नहीं आ रही है। तभी यहाँ साहिबा को बताएगा वीर कि भाभी हम उस लोकेशन पर पहुँच चुके हैं जो किडनैपर्स की आ रही है। लेकिन साहिबा देखकर के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि आसपास ना तो कोई घर होता है और ना ही कोई स्टोर रूम जिसमें वो देख पाए कि सिमरन को किडनैपर्स ने रखा है, लेकिन सिर्फ एक फूड ट्रक खड़ा होता है जिस पर ध्यान साहिबा का नहीं जाता। यहाँ पर ये दोनों चलते चलते मैसेज रिसीव करते हैं साहिबा का, जहाँ पर वो कहती है कि तुम लोग इस लोकेशन पर आ जाओ, हो सकता है हमें यहाँ पर मिल जाए सिमरन।
तभी फूड ट्रक के आसपास देख रही होगी खड़ी होकर के साहिबा, और फूड ट्रक का ओनर पूछता है कि अरे आप कुछ खाएंगे क्या? तभी साहिबा मना कर देती है और वो वीर से डिस्कस करती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है आखिर साहिबा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सिमरन कहाँ होगी, तुम अपने दोस्त से कन्फर्म करो एक बार फिर से कि कहीं उसने लोकेशन गलत तो नहीं भेज दी। यहाँ दिखाया जाएगा कि सिमरन फूड ट्रक के अंदर ही होती है और वो वेट करते करते बेहोश हो जाती है। तभी फूड ट्रक के ओनर के पास किडनैपर्स का कॉल आएगा, वो कहेगा कि मैंने पैसे और ज्वेलरी ले ली है और अब तू वहाँ से निकल। तभी फूड ट्रक का ओनर कहता है कि हाँ वेरी गुड, चल अब मैं फूड ट्रक बढ़ाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ पर साहिबा दिमाग जैसे ही घुमाती है, यहाँ कुछ है नहीं। उसे तभी फूड ट्रक का स्टोरेज दिखता है, वो सोचती है कि कहीं सिमरन इसके अंदर तो नहीं, और वो वीर के साथ अपना ये डाउट शेयर करती है। इधर किडनैपर सिमरन से कहता है कि तूने अगर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की तो जिंदा बचेगी, और तूने कुछ भी चहल पहल की आवाज़ की तो तेरा क्या होगा तुझे अच्छे से पता है। सिमरन यहाँ इतनी घबरा जाती है कि वो और दोबारा बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर साहिबा फूड ट्रक के ओनर को, जो वो बंद करने ही वाला होगा, उसे रोकेगी और कहेगी कि दरअसल बाजी मैं और मेरा भाई सोच रहे हैं कि हम एक फूड ट्रक यहाँ पर खोलें, तो क्या आप हमें अंदर से अपना फूड ट्रक दिखा सकते हैं एक बार। तभी फूड ट्रक ओनर कहता है कि नहीं मुझे कहीं जाना है अर्जेंटली, इसे मैं आपको नहीं दिखा सकता। तभी साहिबा इंसिस्ट करती है और कहती है कि बस 2 मिनट लगेगी, आप बस हमें एक बार अंदर से दिखा दीजिए। यहाँ पर वीर को इशारा करती है कि वो ओनर को डिस्ट्रैक्ट करे, लेकिन वो बहुत जल्दबाजी में होता है और फूड ट्रक बंद करने लगता है। तभी साहिबा इशारा करती है कि तुम बातों में लगाओ, मैं चेक करती हूँ। साहिबा फूड ट्रक ओनर के मना करने के बावजूद भी दरवाज़ा खोलती है, लेकिन उसमें सिमरन नहीं मिलती, सिर्फ सब्जियां गिरती हैं। तभी ओनर कहता है कि क्या ज़बरदस्ती है, मैंने आपसे कहा ना यहाँ पर मुझे नहीं दिखाना है अपना ट्रक, आप क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं। तभी साहिबा कहती है तुम इतना क्यों हड़बड़ा रहे हो जैसे तुमने कुछ अंदर छुपाया हो। तभी वो कहता है मैंने किसी को नहीं छुपाया। साहिबा उसकी बात पकड़ लेती है और कहती है मैंने किसी को तो कहा ही नहीं, आखिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। तभी वो कहता है कि अगर तुमने बदतमीजी की तो मैं पुलिस बुला लूँगा। साहिबा कहती है पुलिस तो हम बुलाएंगे और अच्छे से जब वो तलाशी लेगी तब तुम्हें समझ आएगा, दिखाओ आखिर ट्रक क्या है अंदर। तभी दूसरा किडनैपर आ जाता है और वो वीर को जमकर पिटाई करता है और कहता है कि फूड ट्रक के अंदर देखना है, चल मैं दिखाता हूँ तुझे। तभी साहिबा की नज़र पड़ती है उस किडनैपर के बैग पर, जो वही बैग होता है जो इन सब ने मिस्टर बरार को दिया होता है, और साहिबा समझ जाती है कि किडनैपर्स यही हैं। वो वीर से कहती है कि वीर किडनैपर्स यही हैं, इनके पास हमारा बैग है। और किडनैपर भी एक्टिव हो जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं ट्रक में बैठकर। तभी साहिबा ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है और किडनैपर कहते हैं कि मैं तुझे अकल के ठिकाने लगाता हूँ, अपने आप को ज़्यादा हीरोइन समझ रही है। तभी दिखाया जाएगा कि साहिबा हटेगी नहीं वहाँ से और किडनैपर साहिबा के ऊपर ट्रक चढ़ाने ही वाला होगा, और जैसे ही साहिबा आँख बंद करेगी वहाँ पर ट्रक रुक जाएगा क्योंकि ट्रक के अंदर होंगे मिस्टर अंगद। जी हाँ, अंगद सही मौके पर पहुँच जाएगा, वो किडनैपर्स की जमकर पिटाई करेगा, पुलिस को बुलाएगा, उनको अरेस्ट करवाएगा, और यहाँ पर साहिबा किडनैपर की पॉकेट से चाबी लेगी और ट्रक खोलेगी। इंदर और साहिबा जैसे ही चेक करेंगे वो देखकर हैरान हो जाएंगे कि अंदर कुछ नहीं है, लेकिन साहिबा जब ट्रक में चढ़ कर के देखेगी तो वो देखेगी कि यहाँ पर सिमरन बेहोश पड़ी है और वो उसे गोद में उठाकर बाहर लाएगी। अंगद पूछेगा इसे क्या हुआ है, होश में क्यों नहीं है। तभी सिमरन को देख कर के यहाँ पर साहिबा डाउट जताती है कि कहीं किडनैपर्स ने इसको कुछ उल्टा सीधा खिला पिला तो नहीं दिया जिसकी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई हो। अंगद हम इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, हमें जाना ही होगा। अंगद भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो साहिबा को अपनी गोद में उठा करके वो सिमरन को अपनी गोद में उठा करके हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है। यही हो जाएगा इस रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।